लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाय पांच बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का औचक मिलान किया जाएगा। बता दें कि 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शीर्ष अदालत ने सोमवार को फैसला दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी मायने रखता है। अब तक चुनाव आयोग 4125 ईवीएम और वीवीपैट का मिलान कराता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 20625 ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करना होगा। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आगामी आम चुनाव में हर निर्वाचन क्षेत्र से ईवीएम वीवीपैट के औचक मिलान के लिए ईवीएम की संख्या बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये संख्या एक से बढ़ाकर पांच कर दी है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रक्रिया के प्रति मतदाताओं के बेहतर भरोसे के लिए मतगणना के दौरान एक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट पर्चियों के आकस्मिक जांच को एक मतदान केंद्र से बढ़ाकर पांच केंद्र किया जाएगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के परिणामों को ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को पांच गुना बढ़ाने का आदेश दे दिया हो, लेकिन 125 बूथों के 50% वीवीपैट मिलान की विपक्ष की मांग नहीं मानी गई है। जी हां, 21 राजनीतिक पार्टियों की याचिका को सुनने के बाद शीर्ष कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ से बढ़ाकर पांच बूथों की वीवीपैट पर्चियों को औचक जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह मतदाताओं के विश्वास और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर वीवीपैट पर्चियों की जांच वाले नमूने बढ़ा रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने भी शीर्ष कोर्ट के इस आदेश को सिर आंखों पर लिया है और आयोग ने कहा है कि वह वीवीपैट के पर्चियों के मिलान को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का जल्द से जल्द अनुपालन सुनिश्चित करेगा। बता दें कि शीर्ष कोर्ट के आदेश के बाद लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम परिणाम को आने में दो दिनों का समय लग सकता है। ऐसे में आपको बताते चले कि 21 राजनीतिक दलों ने लगभग 6.75 लाख ईवीएम के वीवीपैट पर्चियों से मिलान की मांग की थी। 21 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 125 बूथों की 50% वीवीपैट पर्चियों की गिनती किए जाने पर लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा में 6 दिनों की देर होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह कोई गंभीर विलंब नहीं है, बशर्ते यह है कि चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित करती हो। बता दें कि वीवीपैट मशीन ईवीएम से जुड़ी होती है। जब मतदाता ईवीएम पर बटन दबाता है तब वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है जिस पर उस पार्टी का चुनाव निशान और उम्मीदवार का नाम होता है जिस मतदाताओं ने वोट दिया होता है। मतदाता को 7 सेकंड तक देखने के बाद ये वीवीपैट मशीन में एक बक्से में गिर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।